नमस्कार दोस्तों, एमबीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में हर सब्जेक्ट में से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से प्रश्न अधिक बनते हैं और कुछ टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना नगण्य या बहुत कम रहती है। तो आज हम एमपीजी के, जिसका वेटेज एमबीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत अधिक है, उसके कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे। लगभग 8 से 10 ऐसे टॉपिक चुनेंगे जहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है, यानी प्रश्न बनने ही है। तो आपको अगर ये टॉपिक कंप्लीट नहीं करके जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपको बहुत यहां पर घाटा होना है, या कह सकते हैं लॉस होना है। देखिए, तो हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स में उन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश का भूगोल, है ना। अब यकीन मानिए, मध्य प्रदेश के भूगोल से लगभग 10 से 12 प्रश्न बनेंगे। तो इस 10 से 12 प्रश्न में मैं कुछ टॉपिक आपको बता रहा हूं जहां से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। पहला टॉपिक है इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के पठार। पठारों से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को ही मिलेंगे। कभी भी आप देख लीजिए, हमेशा पठारों से प्रश्न आते ही है। अगला है मध्य प्रदेश की नदियां, है ना। नदियों में पूछ लिया जाता है। इसी नदी में अगर मैं सिंचाई परियोजना जोड़ देता हूं, इसी में अगर मैं नदी जोड़ो परियोजना जोड़ देता हूं, तो फिर यहां से लगभग प्रश्न बनने की संभावना 3 से 5 प्रश्न हो जाते हैं। क्योंकि आप नदियां पढ़ते हैं तो सिंचाई परियोजनाएं पढ़ने में आपको आसानी होती है, और नदी जोड़ो परियोजना भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो पठार से 2 से 3 प्रश्न, 3 से 5 प्रश्न यहां पे हो गए। अगला है खनिज। खनिज से तो आप हमेशा पाते ही हैं कि 2 प्रश्न तो बनते ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वनों में ही अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की को जोड़ देते हैं तो लगभग 2 से 3 प्रश्न यहां से बनने हैं। तो भूगोल में आपको पठार, नदियां, इसके साथ ही खनिज और वन, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, इनको छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक आपको कंप्लीट करना है वह है मध्य प्रदेश की जनजातियां। आप हमेशा पाएंगे कि मध्य प्रदेश की जनजातियों से प्रश्न हमेशा बनते हैं, और कोई ज्यादा तब प्रश्न नहीं बनते, बस प्रश्न बनता है कि इसकी उपजातियां क्या है। चूंकि हम यहां पर भूलते बहुत है इसलिए समस्या हो जाती है। तो 2 से 3 प्रश्न मध्य प्रदेश की जनजातियों से हमेशा मिलेंगे। अगला है मध्य प्रदेश में खेल कूद, है ना। यानी अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स से आप जानते हैं यहां पर करंट से भी प्रश्न आते हैं, और जो परंपरागत स्पोर्ट्स है, खेल है, वहां से भी प्रश्न आते हैं। यानी 2 से 3 प्रश्न आप यहां से हमेशा ही पाएंगे। तो कितने टॉपिक, 3 टॉपिक देखे हमने, भूगोल, जनजातीय और खेलकूद। इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण है वह है लोक गायन या लोक नृत्य। लोक गायन या लोक नृत्य से हमेशा 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसे भूलना नहीं है। यह नहीं कह रहा हूं कि पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, वह तो पढ़ना है, लेकिन इन पर कुछ ज्यादा ही फोकस करना है आपको। अगला अगर हम टॉपिक देखें तो साहित्यकार और उनकी कृतियां, यानी कौन कौन से साहित्यकार हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी रचनाएं या उनकी कृतियां कौन कौन सी है, ठीक है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो वह है मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास में आपको 1857 का जो संग्राम है उसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये कुछ टॉपिक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था, है ना, मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था से आपको हमेशा प्रश्न मिलेंगे। अगला है उद्योग, उद्योग से 1 से 2 प्रश्न हमेशा मिलेंगे। तो अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके एमपी जीके के बहुत सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।